बच्चों, आज मैं आपको यह समझाऊंगी कि अनुच्छेद कैसे लिखना चाहिए। तो बच्चों, किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया लेख या किसी विषय पर 8 से 10 पंक्तियां लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद में बहुत संक्षेप मतलब छोटे रूप में किसी एक विषय के मुख्य बिंदुओं अर्थात मेन पॉइंट्स पर चर्चा की जाती है। बच्चों, आप सोचते होंगे कि अनुच्छेद लिखने से क्या लाभ है। तो बच्चों, इससे आप बच्चों में सृजनात्मक क्षमता मतलब क्रिएटिविटी बढ़ाने का ये बहुत अच्छा माध्यम है। इसलिए हमें अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो बच्चों, अब आपको मैं बताऊंगी कि अनुच्छेद कैसे लिखें। अनुच्छेद लिखने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे जो विषय आपको दिया गया है उस विषय पर अपने मन में विचार करें, उसकी भाषा सरल स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। विषय पर एक क्रम से विचार लिखें, विचारों का आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। दोहराव से बचें मतलब किसी वाक्य को बार बार रिपीट ना करें। सही शब्दों और सही वाक्यों का प्रयोग करें। वाक्य आपके छोटे छोटे होने चाहिए, स्पष्ट मतलब क्लियर होने चाहिए। अंत में विषय से संबंधित सुझाव देते हुए अपने विचार लिखें, मतलब उस विषय पर आप अपने सजेशन लिख सकते हैं। बच्चों, आपके समक्ष कुछ अनुच्छेद के उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला है मेरे विद्यालय की प्रार्थना सभा। बच्चों, आप इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। दूसरा अनुच्छेद है मैंने एक सपना देखा कि। आपने क्या सपना देखा, यह अनुच्छेद लिखा हुआ है। आप दोनों अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है।